अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे सर सऊद। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की जाने बढ़ते हैं। ये सवाल में क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ एनएपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 17 टर्म का सम मालूम करने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपके पास डेटा जो बनेगा S17, ये आपको मालूम करने के लिए कह रहा है, जबकि हुज मिडिल टर्म यानी उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है कि उसका जो मिडिल टर्म है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। इसका मतलब है मैं यहां लिखूंगा मिडिल टर्म इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब जरा देखिएगा, मैं जो यहां पर फॉर्मूला यूज करूंगा एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू ए प्लस एन। अगर इसके नीचे है 1, फॉर एग्जाम्पल क्या है 1 है, तो 2 1 का क्या हो जाएगा 2, 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो मैं यहां पे एक काम कर लेता हूं, Sn is equal to n और इसको लिख लेता हूं a plus n divided by 2 1 का 2 इसके नीचे लिख लूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पे जरा देखिएगा, नोट में देख लीजिएगा एक चीज, अगर हम एक सीरीज हो या नंबरों की तरतीब, अगर हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाती है, मिडिल टर्म बन जाती है। अब जरा और से देखिए, ए क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, एल क्या है लास्ट टर्म, अगर दोनों को प्लस करके ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या चीज बन जाएगी, मिडिल टर्म बन जाएगी। इसका मतलब है Sn is equal to n multiplied by mt, mt is the short form of middle term, so हमें चाहिए 17 टर्म, n की कीमत क्या है 17, यहां पुट करूंगा 17 is equal to n की जगह 17 मल्टीप्लाई बाय मिडिल टर्म कितनी गिवन है आपको 5, तो यहां पुट करेंगे 5, 17 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो कितना हो जाएगा, यानी कि S17 टर्म का सम 85 आ जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। नोट डाउन, नोट कर लीजिए स्टूडेंट इसको। और इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो लेक्चर में हम नए सवाल आपके सोल्यूशन लेके हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।